नमस्कार एंड स्वागत है सभी फैंटेसी प्लेयरों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम कवर करेंगे TNPL का मैच नंबर सेकंड जो कि होने वाला है CSG वर्सेस SS। और यहाँ पे मैं मैच के स्टार्टिंग के बता देता हूँ दोस्तों वीडियो के स्टार्टिंग में कि जो आपकी जो CSG की टीम है वो क्लियर कट विनर बनने वाली है ना। और मतलब ये बाई बैड लक कह सकते हो या फिर मतलब कि जो T20 क्रिकेट है होता रहता है, लेकिन क्या पता SS जीत जाए, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि SS की टीम जीतेगी दोस्तों। और दूसरी बात यहाँ पे जो टॉस बेनिफिट की बात करें तो यहाँ पे जो टीम पहले बैटिंग करेगी ना वो अच्छा करेगी दोस्तों, क्योंकि देखो यहाँ पे TNPL मेजरली क्या होता है, स्लोनेस वाली पिच होती है, ड्राई पिच होती है। आपको पता है ड्राई पिच के ऊपर जैसे मुकाबला होगा, धीरे धीरे मुकाबला आगे बढ़ता है ना, तो पिच और भी स्लो होता रहता है। और जब पिच स्लो ज़्यादा होगा तो वहाँ पे स्पिनर गेम के अंदर आएंगे, तो ज़्यादातर टीम जो टीम जो टॉस को जीतेगी ना तो वो पहले बैटिंग करना ही प्रेफरेंस करेगी दोस्तों, ठीक है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो टीम पहले बैटिंग करे उसको फेवर करना है। और उससे अच्छी बात यह है कि यदि CSG पहले बैटिंग कर लेती है ना तो आपको क्लियर कट आपको इंडिकेट मिल जाएगा कि CSG इस मैच का विनर बनने वाली है। तो आपको CSG से 7 प्लेयर पिक करना है और 4 प्लेयर आपको SS के पिक करना है। आज का मुकाबला ग्रैंड लीग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो 2-3 प्लेयर ही हैं जो कि CVC बनने वाले हैं, रेस्ट ऑफ द प्लेयर आपके एज ए प्लेयर आने वाले हैं, ना कि वो CVC बनेंगे दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो को आगे बढ़े उससे पहले अपन चलते हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर। दोस्तों ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको स्मॉल लीग की टीम मिलेगी TNPL की। यहाँ पे देखो 788 पॉइंट बने थे, है ना, शानदार पॉइंट बन गए थे स्मॉल लीग की भी आपसे बात करें तो। और ज़्यादातर देखो दोस्तों कल के मुकाबले में क्या हुआ था, लो सिलेक्शन प्लेयर चले थे लेकिन उन्होंने सिर्फ 40 पॉइंट ही स्कोर किए थे एवरेज, मतलब कि भाई जो भी प्लेयर चले थे ना लो सिलेक्शन वाले उनका जो क्रेडिट मतलब पॉइंट था ना वो 35 था, 47 था, 37 था, 36 था। तो कहने का मतलब है कल के मुकाबले में लो सिलेक्शन वाले प्लेयर ने इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दिखाया था, जो कि हाई सिलेक्शन ने दिखा दिया था। शाहरुख खान, साई सुदर्शन, विजय शंकर, है ना, आर साई किशोर की अपन ने बात की थी, साई सुदर्शन की बात की थी। तो कहने का मतलब है कल का मुकाबले में स्लाइटली मतलब कि हाई सिलेक्शन प्लेयर चले थे, लेकिन आज के मुकाबले में मतलब कि आज भी हाई सिलेक्शन चल सकते हैं, लेकिन 3-4 प्लेयर ऐसे जिनका लो सिलेक्शन है उनको आप CVC कर सकते हो, है ना, और जो वो भी CSG की टीम से है दोस्तों, ठीक है। और आपको स्मॉल लीग की टीम आपको हर TNPL की मिलेगी दोस्तों। और आने वाले समय में आपको है ना ऐसे वीडियो मिलेंगे जैसे कि आपको ना सॉफ्टवेयर का सही तरीके से कैसा प्रयोग करना है, यदि आप मतलब कि इंटरनेशनल मैच खेल रहे हो, T20 डोमेस्टिक मैच खेल रहे हो, उनके अलग अलग अकॉर्डिंग आपको टीम बनानी होती है। अभी आने वाले समय में आपके लिए ना ODI वर्ल्ड कप आ रहा है, उससे पहले एशिया कप आ रहा है दोस्तों, और उससे पहले आपको पता है कि जो क्वालिफायर मैचेज है जैसे कि वेस्ट इंडीज टीम लास्ट ईयर मतलब क्या होता है कि वो ODI वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकती है, तो वो अभी पहले वो क्वालिफिकेशन वाले मैच खेलेगी, तो वो मैच। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय में बहुत सारे मैच आने वाले हैं, तो कन्फर्म है कि आप अपना टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन रखें, क्योंकि आने वाले मुकाबले में आपको स्मॉल लीग की टीम प्लस ग्रैंड लीग की टीम आपको मिलती रहे, और सॉफ्टवेयर का सही तरीके से कैसा प्रयोग करना है उसके भी आपसे भी आपके लिए वीडियो आने वाला है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे वेन्यू तो सेम है दोस्तों, है ना, और पिच रिपोर्ट की बात क्या करनी है आपको पता है ना, ड्राई पिच है, स्पिनर को पिक करना है और पेसर को पिक करना है। यदि जिस टीम को फेवर कर रहे हो ना उनके 2 पेसर पिक कर लो, पेसर और 2 स्पिनर पिक कर लो, 4 बॉलर हो गए और 3 बल्लेबाज पिक कर लो जो टॉप ऑर्डर भी बैटिंग करते हैं दोस्तों, सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। और यहाँ पे पहले बात करते थे, देखो ये मैंने पहले बता दिया था कि यहाँ पे लास्ट ईयर मुकाबले हुए थे, वो मैंने पहले लास्ट स्टेडियम बता दिए थे, लेकिन रिसेंटली आपको बताया ये मुकाबला होता लास्ट में, मतलब कि लास्ट नाइट की बात कर रहा हूँ दोस्तों ना। तो यहाँ पे देखो लो सिलेक्शन प्लेयर कौन कौन थे, यहाँ पे T-Raja थे, U-Mukesh थे। यहाँ पे देखो कल के मुकाबले क्या हुआ था, भाई जो आपकी LKK की टीम थी वो मतलब कि जीती हुई थी, तो उन्होंने क्या किया था, जो बॉलर है ना मुकलेश को ओवर दे दिए, है ना, तो जो मुकलेश ने विकेट भी निकाल लिया दोस्तों। तो कहने का मतलब ये है कि जो लो सिलेक्शन प्लेयर है वो कैसे भी फैंटेसी के अंदर अच्छा कर देते हैं, क्या पता उनके दिन होते हैं, उनको ओवर दिए जाते हैं, वो विकेट भी निकाल लेते हैं दोस्तों, है ना। और ऑलराउंडर में देखो के गौतम हो गए, भुवन हो गए, ये भी लो सिलेक्शन प्लेयर थे, और यहाँ पे जय सुब्रा थे वो भी लो सिलेक्शन प्लेयर थे। तो कहने का मतलब है कि आपको हर एक सेक्शन में कम से कम एक लो सिलेक्शन प्लेयर पिक करना चाहिए। तो कहने का मतलब है कम से कम 4 प्लेयर आपके पास में लो सिलेक्शन होने चाहिए जो कि बिलो द 50% आते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों।
और अब हम बात करते हैं अपने सीबीसी की। देखो वीडियो को मतलब कि लंबा बना लॉन्ग बनाने से क्या मतलब है, यदि अपन जो पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे ना। देखो दोस्तों कभी कभार क्या होता है, जब दोनों टीम स्ट्रांग होती है ना, तब वीडियो है ना लॉन्ग फॉर्मेट चला जाता है, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे दोनों टीम को एक्सप्लेन करने में समय लग जाता है। लेकिन आज के में मेरे को लग रहा है सीएसजी एक स्ट्रांग टीम है, तो आपको पता है सीबीसी भी सीएसजी के प्लेयर बनना है। अब बस आपको ये करना है कि कौन से प्लेयर को आपको बनना है दोस्तों, ठीक है ना। तो अपने कैप्टन रहेंगे नारायण जगदीशन, एस यादव, एस अरविंद। देखो एस अरविंद को मैंने कैप्टन ट्राई क्यों किया दोस्तों, सिंपल सा लॉजिक है, ये 3 नंबर और 4 नंबर पे बैटिंग भी करते हैं, प्लस 4 ओवर भी करेंगे दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट बॉलर मतलब कि ऑलराउंडर कह सकते हो, लेकिन अभी के लिए बैटिंग सेक्शन में आपको मिलेंगे, तो ये इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। और बी अपराजित को तो आपको बताने की कोई आवश्यकता ही नहीं है दोस्तों, आपको पता है अभी अपन ने देखो ड्रीम टीम चेक की थी, यहाँ पे देखो ये कैप्टन बनाए थे, तो कहने का मतलब है अपराजित तो कैप्टन बनेंगे ही बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने जो पहले वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कि आपको हर टीम से दो दो प्लेयर को पिक करना है, तो सी एस जी के लिए 3 ऐसे प्लेयर है जो कि सी वी सी बनने वाली है। एक तो आपके एस यादव है, एक बी अपराजित है, एक आपके रायल शाह है दोस्तों। तो ये 3 प्लेयर आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, कौन कौन, रायल शाह, बी अपराजित और संजय यादव दोस्तों। तो ये 3 प्लेयर सबसे बेस्ट है सी वी सी के लिए, सी एस जी के लिए। आप जब भी सी एस जी का मुकाबला खेलते हो ना, तब आपको सी वी सी के लिए इन्हीं 3 प्लेयर पर आपको फोकस करना है दोस्तों, बचे हुए प्लेयर पर आपको इग्नोर करना है दोस्तों, ठीक है। और ये अपने सी वी सी की बातें कर लिया दोस्तों, ठीक है। और हम बात करते हैं अपने कॉम्बिनेशन की, आपको मतलब कितने कीपर लेने हैं, कितने बैट्समैन लेने, वो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं अपने क्रेडिट की। तो यदि आप सी एस सी की फेवर बना दे तो आपको 88 की टीम बनानी है, और एस एस के फेवर बना दे तो आपको 87 की टीम बनानी है दोस्तों। ये वीडियो देखो यहाँ पे पोज करके, जो लास्ट मैच का वीडियो था वहाँ पे आप जाके चेक करो, मैंने एल के लिए कितने क्रेडिट की आपको टीम बताई थी, 82 की मैंने बताई भाई, यदि एल के यहाँ पे टीम में जीतती है मुकाबला, तब आपको 82 क्रेडिट की टीम ड्रीम टीम बनेगी दोस्तों, ठीक है। तो आप वहाँ पे जाके चेक कर लो कि कितने क्रेडिट की ड्रीम टीम बनी थी फर्स्ट मैच ऑफ द TNPL दोस्तों, जाके चेक करो, 82 की ही बनी थी दोस्तों, है ना। और आज भी अपने लगभग 90% आपकी जो क्रेडिट है ना, वो एक्यूरेसी एकदम सही जाती है दोस्तों। तो आपको 88 और 87 के भीतर ही आपको टीम बनानी है दोस्तों। कॉम्बिनेशन आपको 1-3-4-3 रखना है, 1-3-3-4 रखना है। TNPL में जो 3 कॉम्बिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, एक तो 1-3-3-4, एक 1-3-4-3, एक है 1-3-2-5 दोस्तों। वो क्यों है 1-3-2-5 अभी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि दोस्तों अभी जो मतलब कि 4 से 5 मुकाबले एक भी नहीं होने लगेंगे ना, फिर धीरे धीरे जो बॉलर्स हैं ना वो गेम के अंदर आएंगे, जो बड़े बड़े बैट्समैन हैं ना वो भी फ्लॉप हो जाएंगे दोस्तों, कि वो पिच ना पूरी ड्राई हो जाएगी, वहाँ पे स्पिनर गेम के अंदर आएंगे, तो वहाँ पे जो बॉलिंग जो रेशियो है वो इंक्रीज हो जाएगा इन कंपेयर टू बैटिंग दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हम आगे अपने सॉफ्टवेयर पे, अब यही हमारे पास पावरफुल टूल है जो कि आपको ग्रैंड लीग क्लिक करा सकता है। आप खुद से बनाओ शानदार है, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब से आप खुद से टीम बना रहे हो, आपकी हाईएस्ट रैंक कितनी गई थी ग्रैंड लीग के अंदर दोस्तों, ठीक है। लेकिन देखो दोस्तों मैंने कमेंट भी बढ़ाया, भाई सॉफ्टवेयर के अंदर इतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हम लॉस हो रहे हैं, कई सारे ऐसे फैंटेसी प्लेयर जो कि सॉफ्टवेयर में अच्छा खासा अर्निंग भी कर रहे हैं दोस्तों। अब उसका रीज़न क्या है दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इग्नोर करने वाली चीज़ क्या है, मतलब कि जो हमारे फैंटेसी यूजर है, जो सॉफ्टवेयर के यूजर है, वो गलती क्या करते हैं, वो जब भी टीम बनाते हैं ना वो सारा डाटा फॉलो करते हैं, लेकिन जो क्रेडिट वाला होता है ना, मेन जो CR का बोल रहा हूँ, शॉर्ट फॉर्म में बोल रहा हूँ आपको, जो CR है ना वो सबसे इंपॉर्टेंट है। यदि आपकी CR एक्यूरेट है ना, जो कि मतलब कि सिलेक्शन प्रोसीजर कभी कभार क्या होता है, सॉफ्टवेयर भी लो सिलेक्शन क्रेडिट को सेलेक्ट कर लेता है, और उससे बहुत टीम बन जाती है, तो आपकी टीम नहीं बनेगी। लेकिन आपने स्टडी की है, मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको इस टीम के फेवर बना रहे हो, तो आपको इतनी क्रेडिट की आपको टीम बनानी है दोस्तों। यदि आपकी जो क्रेडिट एकदम एक्यूरेट होगी ना, आपको मैं कह रहा हूँ 90% आपकी टीम है ना आउट ऑफ द जोन जाएगी ही नहीं दोस्तों, कन्फर्म है, और आपकी अच्छी खासी रैंक भी प्राप्त हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो अभी हम मैं प्लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों मैं आपको पहले मेरे अकॉर्डिंग ये प्लेयर खेलने वाले 2-3 बदलाव हो सकते हैं दोस्तों, मतलब कि पहला मैच है तो टीम में बदलाव कर सकती है। और दूसरी बात आपको पता है कि IPL की तरह इसमें भी इम्पैक्ट प्लेयर रूल मतलब कि एलिजिबल है, मतलब कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनने वाला है। तो आपको जो जैसे टॉस होगा ना, जो वहाँ पे 4-4 प्लेयर आपको शो कर दिए जाएंगे, भाई ये इम्पैक्ट प्लेयर हो सकते हैं, इनमें से एक आने वाला है, तो आपको टेलीग्राम के अंदर अपडेट कर दूंगा कि आपके लिए कौन से इम्पैक्ट प्लेयर इंपॉर्टेंट है या फिर आपको इग्नोर करने हैं दोस्तों। कभी एक बार क्या होता है, इम्पैक्ट प्लेयर को आपको इग्नोर भी करना होता है, कभी एक बार आपको पिक भी करना पड़ता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे अपन ने प्लेयर को सिलेक्ट कर लिया है, यहाँ पे एडवांस सेक्शन का प्रयोग करेंगे। अपने प्लेयर अभी के लिए कोई प्लेयर अपने फिक्स नहीं है, आप नारायण जगदीशन को कीपिंग के लिए कर सकते हो, और रेस्ट ऑफ ऑल आप है ना, जैसे कि बाबा अपरिजीत है, इनको फिक्स कर लो, और यहाँ पे 8 नंबर है, इन 3 प्लेयर को आप फिक्स कर लो और इग्नोर कर दो दोस्तों, ठीक है।
तो यहाँ पे अपन कैप्टन को सिलेक्ट कर लेते हैं, नारायण जगदीशन, एस अरविंद और संजय यादव दोस्तों, ठीक है। कौशिक अंदी को सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि एस जी के बॉलर अच्छा करें, तो मैं ना जो एस एस के प्लेयर है ना उनको ऑलराउंड को ज़्यादा सिलेक्ट करूँ इन कम्पेयर टू, मतलब कि जो सिर्फ अपना बॉलिंग करते हैं बैटिंग करते हैं उनको इग्नोर करना है दोस्तों, ठीक है। ए तंवर है और रॉयल है दोस्तों, ये अपने कैप्टन रहेंगे। और वाइस कैप्टन की बात करें तो अपने वाइस कैप्टन रहेंगे यहाँ पे संजय यादव और कौशिक अंदी। तो कौशिक अंदी को अपने वीसी के लिए अप्लाई कर दिया है। बी अपराजित, तो देखो अपराजित को आपको सी और वीसी दोनों ही ट्राई करना है। और आपके एस एच कुमार है दोस्तों, ये लोअर दी ओडी बैटिंग भी करते हैं प्लस ये बॉलिंग भी कर रहे थे दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे आएंगे राहिल शाह और यहाँ पे एम सिलम, ठीक है, ये अपने सी बी सी रहेंगे। और अपन सी एच जी को फेवर कर रहे हैं तो यहाँ पे 7-4 लेके चलेंगे, जो कि 7 प्ले लेंगे अपन सी एच जी के और 4 ही प्ले लेंगे एस एच के। यहाँ पे 7-4, ये भी अपन को 7-4 ही सिलेक्ट करना है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैंने बताया था कि आपको यदि आप सी एच जी के फेवर बना रहे हो तो आपको 88 की टीम बनानी, तो 87 से लेके 88 की टीम आप बना लो दोस्तों, 87 से लेके 88 की टीम, ठीक है। 1-3-3-4 और यहाँ पे 1-3-4-3, ये दो कॉम्बिनेशन आपको ट्राई करना है। नंबर ऑफ टीम यहाँ पे अपन 15 टीम यहाँ पे क्रिएट करेंगे दोस्तों, यहाँ पे सारे सारे टीम क्रिएट हो चुकी है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे आप फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि आप मतलब सिंगल कैप्टन वाली फैंटेसी खेलते हो जहाँ पे देखो रिस्की रहता है, लेकिन जब भी वो सिंगल कैप्टन आपका अच्छा करता है तो वो टीम आपकी शानदार परफॉर्मेंस दिखाएगी और आपकी अच्छी खासी रैंक भी आएगी दोस्तों, ठीक है। और ये अभी स्टार्टिंग ही है TNPL का, तो मैं तो कहता हूँ आपको हर टीम से दो दो प्लेयर पिक कर लेते हैं, और मैं आपको हर टीम से दो दो प्लेयर बता भी देता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो मैंने सी एस जी के लिए मैंने बता दिए थे, अपराजित हो गए, आपके संजय यादव हो गए और आपके राहिल शाह हो गए, है ना। लेकिन यहाँ पे एस एस की तरफ से बताऊँ तो दो प्लेयर सबसे इंपॉर्टेंट है, तीन प्लेयर बता देता हूँ दोस्तों। एक तो आपको अभिषेक तंवर है, एक एस अरविंद है, एक तीसरे प्लेयर है रिस्की प्लेयर है कौशिक गांधी दोस्तों। ये तीन प्लेयर आप एस एस की तरफ से भी फोकस कर सकते हो आने वाले मुकाबले में, इस मुकाबले को आप थोड़ा इग्नोर कर दो दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बाबा अपराजीत को अपन एज ए कैप्टन सेलेक्ट कर लेते हैं, और जिस टीम में भी ये कैप्टन रहेंगे वहाँ पे अपन को टीम मिल जाएगी। तो 5 टीम ऐसी है जिसके अंदर अपन को बी अपराजीत आपको कैप्टन मिले हैं और वाइस कैप्टन आपको चेंज मिलेंगे, है ना दोस्तों। तो ये सारे सारी टीम मैंने क्रिएट कर चुकी है, मैंने आपको बता भी दिया है। और जैसे भी कोई लाइनअप में बदलाव होता है तो आपको टेलीग्राम के अंदर तुरंत अपडेट मिल जाएगा दोस्तों। और सबसे इंपॉर्टेंट है स्मॉल लीग की टीम प्लस इंपैक्ट प्लेयर वहाँ पर आपको टेलीग्राम के अंदर मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो दोस्तों, क्योंकि ये स्टार्टिंग फेज ही है TNPL का, यहाँ पे जनता कम ही फोकस करेगी लो सिलेक्शन प्लेयर पे, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।